ये बड़ी खबर इस वक्त की यूपी के लखनऊ से सामने आ रही है। राजनाथ सिंह के नामांकन को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। भाजपा कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक सड़क को सजाया गया है और स्वागत के लिए रोड पर जगह जगह मंच भी लगाए गए हैं। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राजनाथ सिंह का आज स्वागत किया जाएगा और आज वो नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि उनके नामांकन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके नामांकन में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम नेता और कार्यकर्ता भी उनके नामांकन में मौजूद रहेंगे और आज राजनाथ सिंह अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यालय के सजाया गया है और उनके लिए जगह जगह मंच लगाए गए हैं। साथ ही आज उनका स्वागत भी बहुत ही जोर शोर के साथ किया जाएगा। बता दें कि स्वागत के लिए रोड पर जगह जगह मंच लगाए गए हैं और राजनाथ सिंह का आज इसी के साथ स्वागत किया जाएगा और उनके नामांकन में डिप्टी सीएम सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। साथ ही इसको लेकर अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। लखनऊ से सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नामांकन करेंगे। हम इस समय भाजपा कार्यालय पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं एनएसजी के कमांडो तैनात किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए और एक रथ तैयार किया गया है जिस पर बैठकर माननीय राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठकर इस रथ से यात्रा निकालेंगे। इस रथ के ऊपर जो कार्य किए गए हैं, सीएसआर, मत्स्य 270 पार्क, छात्रों की शिक्षण व्यवस्था, नया कमांड हॉस्पिटल, ऐशबाग वाटर पार्क और इसके साथ साथ अगर फ्लाईओवर की बात करें तो लाल कुआं फ्लाईओवर, तुलसीदास मार्ग, हैदरगंज से राजाजीपुरम, टेढ़ीपुरिया फ्लाईओवर, इस तरीके के तमाम सारे विकास कार्य गिनाए जा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किए गए हैं। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कार्यकर्ताओं में एक भारी उत्साह दिख रहा है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अगर अल्पसंख्यक की बात करें तो काफी तमाम अल्पसंख्यक पहुंचे हुए हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं और आज नामांकन के लिए निकलेंगे। इनके साथ साथ कई विधायक मौजूद रहेंगे। 12 बजे लगभग राजनाथ सिंह कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और वहां अपना नामांकन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विजय रथ आप देख सकते हैं सामने पहुंच चुका है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि मुस्लिम समाज के लोग किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह का स्वागत कर रहे हैं और आप देखिए राजनाथ सिंह भी उनका अभिवादन कर रहे हैं। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो भी भाजपा से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। पीछे ठीक मेरे पीछे रथ देख सकते हैं किस तरीके से राजनाथ सिंह मुस्लिम महिलाओं और जो मुस्लिम पुरुष आए हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं। साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है अल्पसंख्यक विभाग के लोग हैं। लखनऊ का नहीं अपितु पूरे भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है और 20 मई को आप देखेंगे ऐतिहासिक रूप से लोग बाहर निकल के अपने मत का प्रयोग करके एक बार पुनः माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में और माननीय राजनाथ सिंह जी को पुनः सांसद के रूप में चुनेंगे। आज लखनऊ की सड़कों पर नौजवानों का सैलाब उमड़ा पड़ा है और वो माननीय राजनाथ सिंह को एक बार फिर बहुत भारी मतों की जीत दिलाने जा रहा है और माननीय मोदी जी की अगुवाई में 400 पार की खड़ी में लखनऊ शानदार वोटों के संग राजनाथ सिंह को जिताने जा रहा है।